स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 वी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 7 और वी एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ओके. तो बेटा हम एग्जांपल्स पे बात कर रहे थे और उस पर कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं. हाँ बेटा समझे. तो हम एग्जांपल्स पे बात कर रहे थे और एग्जांपल्स में 28 एग्जांपल्स हो गया था. अदर एग्जांपल्स एक बार आप ट्राई करेंगे, प्रॉब्लम्स आएगी वो मैं से डिस्कस कर लेंगे. और हम विविध के कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं. तो विविध के मैं केवल बेटा सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन मैंने बता रखा है वो बेटा आपको करने हैं, ठीक है. जो क्वेश्चन मैं लीव करूंगा वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको कराऊंगा. जैसे क्वेश्चन नंबर 11th देखें, ठीक है. विविध में मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको कराऊंगा. मिसलेनियस सेंटर, मिसलेनियस कौन सी है? 7. और क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है? समझ, क्वेश्चन में कह रहा है इफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है टेन इनवर्स ए, तो आपसे ये कह रहा है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि आपको प्रूव करना है dy by dx को क्या प्रूव करना है y by x. तो करा अगर ऐसा है कि आप प्रूव कीजिए dy by dx को क्या होगा y by x, ये प्रूव करना है आप. क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है कॉस इनवर्स प्लस वाई स्क्वायर एंड कॉस को इधर ले आए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है कॉस टेन इनवर्स. ये क्वेश्चन तो अब आप क्या करें इसका डिफरेंशिएट कर दें तो राइट क्या राइट करें इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy by dx ये क्या हो गया cos inverse. ये बेटा कांस्टेंट नंबर हो गया आप से सिर्फ 0 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कौन सा लग गया u by dt आइडेंटिटी इसको क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy by dx x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy by dx x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टोटल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, समझ ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x हो गया, इसका क्या हो जाएगा 2y और डिवाइडेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट 2x हो गया और इसका करेंगे तो 2y और क्या होगा डिवाइडेड माइनस टोटल वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बेटा वन लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ये उधर जाएगा जीरो हो जाएगा, एवरी टर्म को टू से डिवाइड कर दिया तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये एक्स माइनस वाई और माइनस ये है एक्स स्क्वायर टू से डिवाइड कर दिया तो एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड एक्स हो गया जी। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं इसका इनपुट करते हैं एक्स एक्स का इनपुट किया एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड एक्स माइनस वाई क्यूब ये क्या हो गया डिवाइडेड एक्स। देखो ब्रैकेट भी ओपन करते हैं साथ ही साथ में साइन भी चेंज करते हैं क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाद माइनस साइन तो साइन चेंज हो गया प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस की टू किया माइनस एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर वाई का इंटू करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड एक्स माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वाई क्यू डिवाइड एक्स डब माइनस प्लस ये दोनों क्या होगा कैंसिल और कुछ कैंसिल हो रहा है माइनस एक्स क्यूब ये x की पिंस क्या बचा उसके बाद ये पॉजिटिव क्या है 2x माइनस ये नेगेटिव और ये नेगेटिव ये बचा क्या हो गया माइनस 2x स्क्वायर y और डिवाइड बट इसको हम राइट हैंड साइड में ले आए तो ये आ गया 2xy x स्क्वायर y और तो हमें dy by dx निकालना है y by dx equal to क्या हो जाएगा 2xy square 2x square उसे टू कैंसिल y से y कैंसिल x से x बचे हुए क्या करना है we have need to prove that dy by dx equal to बेटा y by x okay so next question पे हम discuss करते हैं बेटा next question समझे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है बेटा 12 बाय द वे रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ठीक है तो कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है बेटा क्या है इफ y इक्वल टू If x sin a plus 1 to there are proof that we have need to prove that evaluate साइन स्क्वायर ए प्लस वाई वाई का प्लस ठीक समझो प्रोविंट प्रश्न सदर साइन ए प्लस x इक्वल टू क्या हो गया साइन y y क्या हो गया साइन कोई प्रॉब्लम एक ही बात है ना अब राइट क्राइटेरिया डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y
कि RHS पे पूरा फंक्शन y के फॉर्म में है तो y के फॉर्म में है। ये बेटा क्या हो गया dx by dy dy by dy और sin y by क्या होगा sin x। तो इसके RHS में बेटा फॉर्मूला बन गया किसका, RHS में बेटा फॉर्मूला बन गया आपका u y v का। तो लेफ्ट में तो एडिटिव रहेगा dx by dy u y v रहेगा तो sin x और dy dy और क्या होगा माइनस sin a plus 1 और माइनस का क्या हो गया अब इसमें sin y बार होते हैं dy by dy और sin क्या हो गया टोटल डिवाइड कर sin स्क्वायर क्या हो गया ये हो गया dx by dy sin a plus 1 sin y का डिफरेंशिएट cos माइनस साइन का साइन का डिफरेंशिएट क्या हो गया cos टोटल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर का ये आ गया dx पे कौन सा साइन a cos b माइनस cos a sin b किसका फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b टोटल साइन स्क्वायर y से y क्या होता है ये आ गया साइन ए बाय साइन स्क्वायर। बेटा ये डीएक्स बाई डी वाई था लेफ्ट में हमने डिवाइड डीएक्स कर दिया तो राइट में भी कुछ चेंज हो गया राइट में भी कन्वर्स हो गया तो साइन स्क्वायर ए प्लस वन बाय साइन हेल्प। सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इस तरह हमें ये प्रूव करना था। सो थैंक यू सो मच। अदर क्वेश्चन नेक्स्ट।